हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अप्पे, और नकली अप्पे हैं, असली अप्पे नहीं हैं, क्योंकि जो भी चीज़ मिलाई जाती है वो चीज़ें नहीं थी मेरे पास। तो मैंने कैसे बनाए हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर, मिर्च, धनिया, प्याज सारा कुछ मिक्स कर दिया है, और गाजर, शिमला मिर्च, जो चीज़ें इसमें मिलाई जाती वो मेरे पास थी ही नहीं। तो मेरे पास जो चीज़ें थी वो मैंने मिलाई है। तो यहाँ पर नमक ऐड कर दे रहे हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे ये बैटर किस चीज़ का बना है। तो बैटर के बारे में ही बता देते हैं। मेरे पास थोड़ी सी सूजी थी, मैदा, बेसन, ये तीन चीज़ें मिला करके मैंने एक बैटर तैयार किया है। अब मैंने ये अप्पे के सांचे को पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसमें ऑयल से पॉलिश कर दिया है इनकी कटोरियों में। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा बैटर ऐसे रख दूँगी। फर्स्ट बार बना रही हूँ मैं अप्पे, अब देखते हैं, नकली अप्पे फर्स्ट बार बना रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। और ऐसी भी चीज़ें नहीं मिलाई हैं जो हमको नुकसान करें। थोड़ा मैदा भी है, थोड़ा दही भी है, सूजी भी है और बेसन भी है। तो हालांकि अप्पे सूजी बस का बनता है, सूजी और दही का, और सारी सब्जियां रहती हैं, इतना मुझे पता है, और मुझे ज़्यादा नहीं पता है। पर मैं ये सारी चीज़ें मिला करके बना रही हूँ जो मेरे पास चीज़ें थी। तो ये मैंने सारा सांचों में, सांचे ही बोलेंगे इसमें, मैंने भर दिया इनकी कटोरियों में और ढक दिया है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कैसा हाल है इसका। तो यहाँ पर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने श्रेया चाय पत्ती ढूँढो और डब्बे में भरो, तो ये भर दिया है इसने। और आज के रात के खाने में और क्या है वो भी मैं बताने वाली हूँ। इतने ही अप्पे हैं, थोड़ा सा और बेटर है, चार पांच अप्पे और बन जाएंगे। तो यहाँ पर श्रेया पलटा रही थी, देख रही थी सिक्के हैं कि नहीं, और इसके साथ ही एक काली वाली चाकू मिली एक प्रकार से, तो इसी से देख रहे हैं। बड़ा जब पहली बार कोई काम करते हैं तो बड़ा वो लगता है, तो श्रेया को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो साइड में कढ़ाई चढ़ाई है, चावल रखे हुए थे दोपहर में जो बनाए थे, थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, चावल को फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई चावल अप्पे और थोड़ी सी कढ़ी है तो वो खा लेंगे मिल बाँट करके दोनों जन, तो इसलिए थोड़े अप्पे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे अप्पे पलट चुके हैं। श्रेया बोल रही थी मम्मी कच्चे ना हो, मैंने नहीं होंगे। साइड में ये चावल मैंने ऐसे कर लिए हैं बारीक बारीक, जिसमें कि वो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होते ना, अच्छे से मैश टाइप का कर लिया मैंने। और यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ मैं। कभी कभी आप लोगों के कहने में, मैं खाती नहीं थी, पर आप लोगों के कहने में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप सरसों का ऑयल यूज करिए, खाइए, स्वादिष्ट होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो हमने बोला जब सेहत के लिए अच्छा है तो खाने में क्या बुराई है। तो हम कभी कभी ना बना लेते हैं, यानी सरसों के ऑयल से कुछ भी। तो चावल फ्राई मैंने बोली थोड़ा सा टेस्ट अलग आएगा, चावल फ्राई कर लेते हैं सरसों के ऑयल से, तो इसलिए यहाँ पर श्रेया मस्ती कर रही थी और यानी बातें कर रही थी। वो आप लोगों को तो पता ही है, हंसाती रहती है। फिर मैंने उसको चुप कहा था कि मुझे शांति से काम करने दे, वरना मैं कुछ काम बिगड़ जाएगा। तो फिर आप लोग ही उसकी बातें सुनिएगा, क्या क्या बोलती रहती है वो। जब हमारे यहाँ पुलाव फ्राई हो, मम्मी बहुत टमाटर डाल दो उसमें। टमाटर उसमें नहीं डाला। अरे मम्मी ही में डाल दिया टमाटर। मैं अपने खाती हूँ क्या मम्मी आपको पता? वहाँ से काट के खाओ, काट कर कचौड़ी। ऐसा नहीं बोल रहा, पूरे टेंशन खराब कर रही है। मैं तुझे पता है मैं टमाटर वाला नहीं खाती, तुझे इतना शौक है तो काट के खा ले। नहीं खाती ना बेटा। अच्छा ओके, रो मत मत खाओ, रो मत बनो। टीवी देख रही हूँ, चौदह अकबर आ रहा है, वहां पे दिख भी नहीं रहा इसमें। मम्मू तो एक अप्पे चखने को देना थोड़ा, बस पक जाना। वो तो पक गाओ, दे दो मम्मी तुम तो। मम्मी नहीं पकेगा उस साइड। हाँ टीवी ऑन हो गया है, तो जोधा अकबर आ रहा था तो वो देख रही थी मैं। जोधा अकबर मैंने पूरा एपिसोड देखे हैं, मैं अब नहीं देखती हूँ क्योंकि हर एपिसोड में कुछ यादें हैं, क्योंकि ये पूरा एपिसोड, पूरा सीरियल
यानी स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैंने शुक्ला जी के साथ देखा है, उनको बहुत पसंद था, तो मैं अब नहीं देखती, मेरा मन नहीं करता कुछ भी। तो चावल यहाँ पर फ्राई हो गए हैं, अप्पे भी बनकर तैयार हो गए हैं। सेकंड बारी थोड़ा सा बैटर और बचा हुआ है, वो चढ़ा दिया है मैंने, बनता रहेगा। मैंने प्लेट लगा ली है और यहाँ पर हम लोग खाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर खाने के लिए बैठ चुके हैं और अभी अप्पे खाकर देखते हैं कैसे बने हुए हैं। श्रावी आएगी, वो खा के बताएगी क्योंकि बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे बने हुए हैं, ठीक है। सॉस और टमाटो सॉस और चिली सॉस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची। तो फ्रेंड्स, श्रेया ना अभी माता रानी के दर्शन करके आई है। यहीं पर 3-4 घर छोड़ करके माता रानी आई है। वहाँ पर दशहरा चल रहा है सब जगह, तो माता रानी बैठी हुई हैं। श्रेया की सारी फ्रेंड, दशहरा तो चल ही नहीं रहा है। दशहरा ही तो चल रहा है। नहीं, दशहरा आएगा, दशहरा चल तो ही ना रहा है। तो सब लोग अभी माता रानी के मंदिर, क्या ना, जहाँ जहाँ माता रानी बैठी हुई है तो वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं ना सब लोग। वही तो बोल रही हूँ, तो सब लोग जा रहे हैं। तो मैं कभी नहीं गई हूँ यहाँ पर, कभी भी नहीं गई हूँ। ये आज मुझे भी फिर से जिद कर रही थी, शाम को भी कह रही थी मैं नहीं गई। अब कल का फिर से प्लान किया कि मम्मी कल आप चलोगे, चलोगे यहाँ पर, मेरी फ्रेंड की मम्मी लोग जा रही हैं, आप चलोगे, अच्छा लगेगा आपको, आप चलना। तो मैंने अभी तो हाँ कर दिया है, कल का कल देखेंगे। तो ये साईं बाबा भी यहाँ पर विराजमान है कुछ दूरी पर, तो साईं बाबा और माता रानी के दर्शन करके आई हुई है। इसी के ऊपर से करना। पागल, वो निकल जाएगा, देखो कैसा निकल रहा है। ये देखो, ये प्राइमर करवाया था हम लोगों ने, सीलन के कारण इस तरीके से दीवार, ये देखो ऐसे निकल रहा है। हाँ, 2 साल हो गए, तब से नहीं हुआ, जब बना था तभी हुआ था, प्राइमर बस करवाया था, शायद ऊपर से वाइट सीमेंट है। तो हम लोग ना ये दीवार पूरी जो जितनी है, जितने में ये ऐसे पेंट निकल रहा है, पूरा निकाल देते हैं। तो ये उसी दिन मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने ये यहाँ पर ना, ये दीवार है जो, तो बेड को खिसकाया और बेड के पीछे ही है ना ये पैंट निकल रहा है पूरा। तो मैंने बोला अगर इसमें कुछ करेंगे तो सारा कुछ पहले निकालना होगा, इसके ऊपर से नहीं कर सकते हैं वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए जितना निकल रहा है ना उतना मैं चाकू लिया है, क्योंकि उस बार मैंने कूलर की पंखी ली थी तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सुहाना ये हाथ में भी लग सकता था, इस कारण से चाकू से। आप देख सकते हो कितना कचरा निकला हुआ है और दीवार की हालत तो आप देख सकते हो, पता नहीं कौन सा नक्शा बना हुआ है, ये देखो। तो ये नक्शा बन गया है। तो मैंने ये खरोच खरोच के चाकू से पेंटिंग निकाल दिया है और थोड़ा सा मेरे पास प्राइमर रखा हुआ है। अभी तो मैं झाड़ झूड़ के इसको साइड में ही कर देती हूँ, प्राइमर पोत देती हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है। तो ये हमारे पास ब्रश है और इसमें थोड़ा सा प्राइमर है, तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कितना हो पाएगा, थोड़ा सा है, पर इसमें जितना हो पाएगा उतना ही सही पोत देते हैं। मेरे पास प्राइमर रखा हुआ था तो मैंने बोला चलो इसी को कर देते हैं, और ब्रश भी है तो जितना हो पाता है। और इसकी जो भी महक थी ना उससे मुझे कोल्ड हो गया, यानी कि एक दिन असर था, कोल्ड जैसा लग रहा था, एक डस्ट हो गई। आपने देखा था कितनी कचरा निकला हुआ था ना, तो उसके कारण भी ज़्यादा डस्ट से, और ये जब जो स्मेल आती है ना कलर वगैरह की, मैंने तो दीवार कर दी है, एलर्जी है। तो एक ही कोट हुआ है, इस कारण थोड़ा सा दिख रहा है और बाकी अभी इस साइड नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है तो उसको और कर देते हैं हम। सोचा था घर को बहुत अच्छा सजाऊंगी,
पर मैंने मेरा दिल ही टूट गया, ये सब जो अभी हुआ है ना कुछ दिन पहले, तो मेरा मन पूरा वो हो गया। अब मैं खुद से करूँगी, जो भी करूँगी मैं पैसे बचाऊँगी, क्योंकि जो मैं पेंटर लगाती तो उनका बजट भी ज़्यादा था और अभी उनके तो भाव बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिस घर में भी करेंगे बहुत पैसा मांगते हैं। ये क्लिप शेयर करना आप लोगों के साथ भूल गई थी, तो आज शेयर कर रही हूँ मैं। तो माता रानी आज जा रही हैं, दशहरा का दिन है ये और मॉर्निंग टाइम है, लगभग 11 बज रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आ गई, पहले छत पर थी, पर ये जो ढोल बज रहे थे ना, जो आवाज़ है ना, तो मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं छत से नीचे आई हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैंने बोला माता रानी का जाते समय वीडियो भी बन जाएगा और मैं दर्शन भी कर लूँगी, क्योंकि इतने दिनों से पड़ोस में माता रानी आई हुई है और मैं उस साइड गई नहीं हूँ, मेरा निकलना कभी होता ही नहीं है और मैं गई भी नहीं। और मैं फिर सोचा कि आज मैं दर्शन भी कर लूँगी। तो मुझे ना, मैं सच बताऊँ, जब जब ये माता रानी आती हैं तो ठीक है, जब जाती हैं तो मुझे बहुत रोना आता है। पता नहीं क्यों ये ढोल बजते हैं, मेरा शरीर कांपने लगता है और पता नहीं अजीब सा लगता है मुझे और बहुत रोना आता है। तो मैं चुपचाप खड़ी हुई थी यहाँ पर और सारे लोग जा रहे थे। बोलते हैं सरे भरना होता है, कई महिलाएं सरे भर रही थी, तो कुछ दूरी तक माता रानी को सारे लोग छोड़ने गए थे। और आज दशहरा का दिन है, रावण दहन होगा, तो वो भी कुछ दूरी पर होता है, पर हम तभी कभी भी नहीं गए। यहाँ पर मैं खड़े खड़े बस आंखों में आंसू थे। तो माता रानी जा रहे हो आप ना, तो मुझे थोड़ा सा याद रखना, दुख दूर कर देना मेरे, क्योंकि तो इधर पर एक जो महिलाएं थी वो भजन गा रही थी, सुहागन वर मांगे, मुझे वही भजन सुन के, ढोल की आवाज़ सुन करके बहुत ज़्यादा आंसू ही नहीं रुक रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था। और माता रानी जा भी रही थी, बस एक ही मन में बात थी कि माता रानी जा रहे हो ना, दुख ले जाना मेरे, जितने भी मुसीबतें हैं उनको हर लेना, माता रानी कष्ट दूर करो। चली गई माता रानी और प्रसाद मिला, शायद गई है उनको छोड़ने के लिए।